साईं वसत है, कटु को वचन मत बोल रे। धन जो वन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। सुन महल में दियना बार ले, आशा से मत डोल रे। जुग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। ये पद कबूर सदगुरु कबीर साहब जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक पद। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को व्यू मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी पियू से उस परमात्मा से आत्मा से मिलन की बात बताते हैं। और सदगुरु कबीर साहब की बड़ी विशेषता है कि वो अपने पियू को, अपनी परमात्मा को, अपनी आत्मा को कहीं दूसरी जगह नहीं बताते। क्या कहते? घूंघट का पट खोल रे। अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से यदि मिलना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ घूंघट को उठाना है। अब घूंघट को उठाने से पहले जान ले कि घूंघट क्या है। जैसी हमारी माताएं बहने घूंघट करती है, उस घूंघट में उसकी साड़ी की पल्लू ऐसे यहां तक झुकी होती है, उसका चेहरा, उसका फेस नहीं दिखता है। और यदि कोई नई नवेली दुल्हन हो और घूंघट काढ़ी हो, साथ साथ अपने पति का दीदार चाहे, दर्शन चाहे, तो दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो घूंघट आड़ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप और हम आमने सामने बैठे हुए हैं, यहीं पर यदि कोई एक पर्दा लगा दे तो आप हमें नहीं देख पाएंगे, हम आपको नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे घट में उस आत्मा राम, रमैया राम, चेतन राम विराजमान है। अब ये दिखता क्यों नहीं, भासता क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में अज्ञान की प्रबल धारा बह रही है। सबका मन चंचल है, इसीलिए आपके परमात्मा का दर्शन आपको नहीं होता है। यदि मैं यहीं पर आप लोगों को कहूं कि आप ये हड्डी चाम टट्टी पेशाब के शरीर नहीं है, तो शायद किसी को विश्वास होगा कि सही कह रहे हैं। अब विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम न जाने कितने बार जन्म लिए, कितने बार इस काया को, इस देह को हम धारण किए, तो हमारी जो बुद्धि है वो देह बुद्धि हो गई, हमारी जो सोच है सिर्फ और सिर्फ देह। कभी हमने आत्मा और परमात्मा की निर्मलता को, उसकी सत्ता को, उसकी महत्ता को समझने की कोशिश? और ये बात समझ में आए कैसे? क्योंकि अंदर तो अविद्या की, वासना की प्रबल धारा बह रही है। उस धारा में आपकी बुद्धि टिक ही नहीं पाती। हमारा मन इस संसार में, इस दुनिया की भौतिक चीजों में विचरा हुआ है। हमारी जो सोच होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी सोच होती है। और इस संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ दिख रहे हैं, जितने पदार्थ प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं, हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है, ये भौतिक चीजें आपके जीवन जीने के सिर्फ और सिर्फ साधन है। ये भौतिक चीजें, भौतिक पदार्थ आपके साधना में सहायक नहीं होगी। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब बार बार समझाते हैं कि अपने अंदर की आत्मा को समझो, जिसकी सत्ता से, जिसकी महत्ता से आपका शरीर चल रहा है, उसके अंदर एक चेतना आत्मा राम विराजमान है। शरीर वही होता है, जब यही शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब शरीर के सारे अंग, शरीर की इंद्रियां जो की त्यों होती है, लेकिन हमारे शरीर में चेतना नहीं रह जाती। तो साहेब कहते हैं,
अपने भगवान से, अपनी आत्मा से, परमात्मा से, उस पियू से मिलना चाहते हो तो अज्ञान की पर्दा को, अज्ञान की दीवार को आपको ढहाना ही पड़ेगा। यही एक साधन है, दूसरा नहीं है। आदमी अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश करता है, उस तलाश, आदमी की तलाश बाहर की ओर है। आप बाहर की ओर ढूंढेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाहर की वस्तुएं मिलेंगी। हमारी यात्रा बहुत हो चुकी है, हम बहुत बाहरी यात्रा करते हैं तो बाहर के दृश्य जगत को जानते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी यात्रा अंदर की होगी, अंदर की तरफ जब हम झांकेंगे तब आपकी परमात्मा का दीदार होगा, दर्शन होगा। अन्यथा जिंदगी भर हाथ पैर मारते रहोगे, अपनी आत्मा की अस्तित्व और महत्ता को नहीं जान पाओगे। और जब तक आपको अपने आप का बोध नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आप सुख और दुख से, मान और अपमान से, लाभ और हानि से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। सुख में सुखी होंगे, दुख में दुखी होंगे, किसी ने सम्मान किया तो भूल जाएंगे, किसी ने अपमान किया तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जिस जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है, अपने आप के बारे में जो जान जाता है, वही व्यक्ति सुख दुख से एक परे परमपद की स्थिति में उठ जाता है। तो साहब कहते हैं कि अपनी परमात्मा से, अपनी आत्मा से मुलाकात करना है तो इस अज्ञान की पर्दा को, सबसे बड़ी रोड़ा, सबसे बड़ा बैरियर आपके आत्मज्ञान में है तो वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह। इन सबके हम गिरफ्त में हैं। ये भारत देश 2-2.5 वर्षों से गुलाम था, फिरंगियों के जंजीर में ये देश झगड़ा हुआ था। इस देश की आजादी के लिए हमारे अनेक महापुरुष कदम उठाए और भारत देश आजाद हो गया, और आज हम आजाद देश के नागरिक कहला रहे हैं। लेकिन अपनी अंदर झांके तो आज भी उन फिरंगियों की गिरफ्त में हो। ये हमारे अंदर के अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे स्वरूप स्थिति रूपी तिरंगा को लहराने नहीं देता। अपने अंदर के अंग्रेज को खात्मा करें तब आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र होंगे, अन्यथा दिन रात इन काम क्रोध लोभ मोह अंग्रेजों की गिरफ्त में रहे। जीवन एक संघर्ष, जीवन में अनेक परिस्थितियां आती है और इन अनेक परिस्थितियों में भी हम प्रसन्न रहना सीखें, मस्त रहना सीखें, तभी तुम अपने स्वरूप को जानोगे। नहीं तो छोटी छोटी चीजों के लिए, रुपयों के लिए, पैसों के लिए किसी की काया में, माया में देख देख कर ललचाते रहोगे तो फिर अपने आप को कब जानोगे। ये मनुष्य का तन, मनुष्य की जो काया हम लोग आज पाए हैं, वो आप पहली बार नहीं पाए हैं, अनेकों बार आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हर बार हमने साधना और कल्याण का काम किया ही नहीं। इसलिए आज भी हम जन्म मरण के हिलोले में झूल रहे हैं। जिंदगी में कोई भी चीज हासिल कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आत्म शांति, आत्म धन वो आप जरूर प्राप्त करें। जैसे जैसे भक्ति में आपका दिन बीते, साधना में दिन बीते, आपकी जैसी जैसी उम्र बढ़े, आपकी शांति बढ़े, आपका सुख बढ़े, आपका मन में प्रसन्नता बढ़े, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन आज हम देखते हैं इस भागम भाग की दुनिया में, इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में, इस 21वीं सदी में आदमी सिर्फ और सिर्फ भौतिक चीजों को पाने की एक ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। आज हम देखते हैं आज के जनरेशन के नौजवान बच्चे, जहां भी सत्संग होता है, भजन होता है, कभी वो विवाद एक के दिखाई देते। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों के मन में एक भागने की आदत है।
आज हम देखते हैं पश्चात सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। यही हमारे जीवन का विकार है। हम सोचते हैं जैसे जैसे व्यवहार करें, जैसे तैसे रफ्तार दूसरों से व्यवहार करें और हमको आत्मा का ज्ञान भी हो जाए, स्वरूप का ज्ञान हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु कभी सहज जी चेतावनी देते हैं कि घूंघट खोल रहे तो क्यों मिलेंगे। साहिब दूसरी पंक्ति में कहते हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। सबके अंदर, सबकी अंतरात्मा एक ही है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन व्यक्ति दूसरे के साथ वही काम करता है जो खुद पसंद नहीं करता। अब धर्म क्या है? कोई मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, दाढ़ी छोटी बढ़ाना, जनेऊ पहनना, ये तो धर्म के बाहरी रूप है। सबसे बड़ा धर्म है कि जैसे हम अपने साथ चाहते हैं, जैसा हम जैसे अपने साथ व्यवहार चाहते हैं, वही आप दूसरों के साथ करना शुरू करें। ये धार्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ी पहचान। और बाकी भेष तो ये दिखावा मात्र। तो साहेब कहते कि घट घट में वही साईं बसत है, कटु को वचन मत बोल रहे। आज घर की, बाहर की, सभी जगह की लड़ाइयों का कारण है वाणी। आपकी वाणी में जहां कर्कश है, वाणी में मिठास नहीं है, तो फिर आप सही बात बोलते हैं वो भी गलत लग रहा है। रहीमन कवि ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो शिकाय, अब तोड़े तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठी पर जाए। वाणी तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे भाव। इसलिए बंधुओं सबसे मीठा बोले, अच्छा बोले, सबकी हित की बात सोचे, किसी के प्रति हम गलत ना सोचे। जैसी आपकी सोच होती है, जैसी आपकी मन की भावनाएं होती है, वैसे आपके जीवन का निर्माण होता है। इसलिए अच्छी भावना रखें, सबके लिए अच्छा सोचें, तब जाकर आपको सुख मिलेगा। ये सुख शांति कई ऐसे सस्ती चीज नहीं है कि जहां पाए वहीं पाओ। और अन्य पदार्थ रुपये पैसे खाने पीने की वस्तुएं तो आपके इस भंडारा की किराने की दुकान में मिल जाएगा। ये जाइए लाखों करोड़ों रुपया लेकर जाइए किसी भी दुकान में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुकान में, कहिए दो तोला सुख दे दीजिए, मिलेगा? कभी नहीं मिले। इसलिए अच्छी सोच रखे, ऊंची सोच रखे, मन में अच्छी भावनाओं की तरंग उठे, मन में अच्छी भावनाओं की ज्वार भाटा उठे, तब आपका जीवन अच्छा बनेगा। सर्वप्रथम विचार आपकी सोच, आपकी भावनाएं अच्छी हो। इन छोटी छोटी ये प्राथमिक केंद्र है। आप जब तक इन बातों को नहीं सुधारोगे, आपके व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण नहीं हो सकता। अब मनुष्य कौन, मनुष्य किसे कहें? देखने में तो यहां पर हम सब मनुष्य लग रहे हैं बाहरी दृश्य से, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता है। सर्वप्रथम उसका खान पान सही हो। आज अधिकतम मनुष्यों के खान पान बिगड़ा हुआ है, और जैसे खाए हम वैसे बने मन। आपका खान पान ही बिगड़ा हुआ है तो आपकी इंद्रियां कैसे व्यवस्थित होगी? आज हमारे अच्छे अच्छे सत्संगी भाई धर्म कर्म में लगे लोग भी कुछ आदतों के अधीन। इसको आप
इसकी सफाई करें। सर्वप्रथम सुधार आदमी के खान पान शुद्ध होना चाहिए, यहीं से आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे अन्न खाते हो, जैसे पानी पीते हो, वैसे वैसे मन में विचार बनता है और फिर उसी के अनुरूप आपका जीवन बनने लगता है। तो साहब कहते हैं कि घट घट में वे साईं बसते है, कटु को वचन मत बोल रहे। कभी भी आपके जुबान से गंदी बातें, गलत बातें, कर्कश बातें आप कभी भी ना बोले। देखो कितने घरों में जब कौवा बैठ जाता है तो आदमी तुरंत भगाता है, और कितने घर भी ऐसे होते हैं जहां पर उसके घर की मुंडेर पर कौवा भी नहीं बैठता, क्योंकि सुबह से वहीं से कांय कांय की आवाज शुरू हो जाती है। तो कौवा बैठे भी तो बैठे कैसे, वो कौवा जान जाता है कि मेरे से बड़े बड़े कौवे इस घर में है तो मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी पहचान आपकी वाणी से, आप कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, आदमी उसी से जान जाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए इस भाई के घर आए हैं, उन्होंने जो हमें खिलाया हलवा पूरी रोटी सब्जी हमने खा ली। जाते समय एग्जाम्पल है भाई, जाते समय कोई वो ऐसे गलत व्यवहार हमसे कह दे, एक बातें कह दे, तो उनके जितने हम हलवा पूरी रोटी सब्जी खाए हैं उसका असर उतर जाएगा। और किसका असर चढ़ जाएगा, जो एक एक गंदी वाणी बोले हैं उन बातों को हम जिंदगी भर याद करेंगे। इसलिए बंधुओं, अच्छा बोले, सुंदर बोले, सभ्य बोले, ताकि आपकी वाणी से अमृत छिड़ जाए। लोगों आपके पास कितना धन है उसको याद नहीं करते, आपकी वाणी कैसे कैसे मीठ व्यवहार की। धनी एक एक के अंतों का आशीर्वाद करूंगा। धन जो वन का दर्पण कीजे झूठा वचन छोड़ो, आदमी अधिकतम धन का तन का रुपये का पैसे कैसे तत्म का, लेकिन धन भी आज किसी के पास कल दूसरे के पास। बड़े बड़े अरबपति सड़कपति हो जाते, रुपये और पैसे तो आते और जाते रहते हैं। इन चीजों का कभी भी अहंकार मत करें, और ये शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सबसे ज्यादा धोखा दार की है तो आपका जीवन और आपकी जिंदगी यही धोखा देती है। जिस मौत से आप डरते हो वो मौत तो आपकी सखी है। अधिकतम आदमी जिंदगी के वास्तविकता से दूर भागा। आपकी जिंदगी एक धोखा है, ये आपकी जिंदगी कभी भी आपको दगा दे जाएगी। आदमी मौत का नाम सुनना भी नहीं चाहता, अच्छा लगता भी नहीं लोगों को, मेरे को नहीं भी और लोगों को। आप मौत का नाम सुनने से, मौत की याद करने से ऐसा मत सोचो कि हम जल्दी मर जाएंगे। मौत तो सस्ती होती है। कौन बचाए जितने सांसधारी हैं, जिन्होंने भी इस धरती पर जन्म लिया उसकी मौत निश्चित। मौत प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसको आप झुठला नहीं सकते। इसी पंडाल के नीचे हम लोग जितने लोग बैठे हैं, कितने बार हम लोग मर चुके। जिस दिन याद करें, जिस दिन मां के गर्भ से हम लोग पैदा हुए, 5 साल के थे कि 10 साल के थे, कितने थे, बहुत छोटा सा। कहां गया आपका शिशुपन, बालपन कहां गया, कौमार अवस्था चली गई, कितनों की जवानी खिसक गई। धीरे 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 रोज हम हर सेकंड, हर मिनट, हर घड़ी मौत की तरफ निरंतर खिसकते जा रहे हैं। कभी भी अहंकार मत करना, जीवन को सरल बनाइए, सहज बनाइए। एक दिन तो मौत के पंजे से कोई नहीं बच सकता। राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर बड़ी बड़ी हस्तियों को उड़ा गए मौत की भीषण आंधी, तो हमारा मतलब बच पाएंगे।
किसी शायर ने कहा है, जिंदगी को मौत का पीना है जहर, हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है, चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया। शायर क्या कहता है, चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया। मैं सुना हूं कि अब चांद पर भी प्लाट बिकने लगा है, आप लोग चाहे तो बुकिंग करा सकते हैं, इसी बहाने सत्संग भजन में जाने का मौका मिल जाए। तो चांद पर भले ही तुम बसा लो दुनिया, अंत में इंसान का मरघट ही शहर। किसी एक फिल्म की बीच की लाइन में निकाला हूं यहां से, जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन झुकलाएगी, और मौत तो महबूबा है सांस लेकर। ऐ मुसाफिर बांध बिस्तर कमर बस तैयार हो, मौत है सिर पर खड़ी काफी न हो होशियार। इसलिए बंधुओं कभी भी मौत से मत डरे, ये जीवन की परम सत्य है। मौत को जिन्होंने भी याद करना सीखा है, हमारे साधु संतों का ये ब्रह्मास्त्र है। मौत को जिन्होंने दिल से याद किया है, उस व्यक्ति के जीवन में अमूल परिवर्तन है। और मेरी बात नहीं मानते तो स्वीकार करना, आज रात में सोने चलना, शरीर को ढीला करके बिस्तर पर सोना, रिलैक्स होकर और सोचना कि मैं मर गया हूं, एक अजमा कर देखना, मरे नहीं रहोगे, जिंदा रहोगे। अजमा कर देखना कि मैं मर गया हूं, मेरे घर के लोग मेरी लाश के आसपास रो रहे हैं, अब मुझे घर से उठाकर शमशान की घाट की ओर ले चले हैं, लोग मिट्टी पाट दिए हैं, सुबह उठकर देखना जिंदा पाओगे और नाच उठोगे, मन में मस्तानगी, मन में तराना लिए हुआ नाच उठोगे। और जो चीज हकीकत है उन्हीं से हम हमेशा से हर पल हर क्षण दूर भागते, कभी अपनी जिंदगी के हकीकत से अब रूबरू होना नहीं चाहते। इसलिए जिंदगी के रहस्य को, जिंदगी के मर्म को आप अभी तक नहीं समझ पाए। देखो हमारे भारत देश के मिलिट्री के जवान जब लड़ने जाते हैं तो सीने से सीने टकराकर लड़ते हैं, भागते नहीं है, और जब भागेगा तो उसकी गोली पीठ पर लगती। इसलिए वीर बनो, जागो, जिंदगी में एक ही बार मरना है, बार बार नहीं मरना, जिंदगी को पूरे होश से जियो, मूर्छा भरी जिंदगी, अज्ञानता की जिंदगी को छोड़े। सत्संग और भजन का आयोजन इसीलिए होता है कि लोगों में जागरण आए, अज्ञान की मूर्छा घटे, मोह की मूर्छा घटे। जिस गृहस्थ में आप जीवन जी रहे हैं, बाल बच्चों के प्रति उचित कर्तव्य करें और उससे अलग रहने का प्रयास करें, यही सत्संग हमें सिखाते। इसलिए जीवन को सरलता सहजता से जिए, धर्म और भक्ति को अपनाए, यही एक साधन है पूर्ण शांति के लिए। वरना जिंदगी में धन दौलत तो बहुत हो जाते हैं लेकिन सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। कैसे भक्ति धन दौलत अधिक हो जाता है, एक उदाहरण, जैसे कोई स्त्री हो वो 16 श्रृंगार की हो, ध्यान से सुनना, देखो भी माताएं नाराज मत होना, उदाहरण आप लोगों का, एक स्त्री हो वो 16 श्रृंगार की पूरी सजी धजी हो, दिख रहा है मन में सजी धजी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो पूरी सजी धजी हो, सिर और शिशु उसकी नाक, आप उसकी सुंदरता को किस को कीजिए, है कोई सुंदरता का महत्व? वैसे धन दौलत रुपये पैसे, बड़े बड़े महल, अटारी इमारत, मार्बल ग्रेनाइट, टाइल्स, अच्छी कार, कभी कभी एरोप्लेन की आप यात्रा भी करते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं, सुख नहीं, समझ नहीं, मतलब क्या? इसलिए बंधुओं बीते ताहिल से उमर कबीर की वाणी है, बीते ताहिल सारे आगे किस जी, जो क्षण जो पल जो घड़ी बीत गई सो बीत गई, लेकिन आने वाले पल के लिए आप सजग और सावधान बने। हर मनुष्य में इतनी ताकत इतनी हिम्मत है कि अपने जीवन को अमूल चूर चूर बदल सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बोलिए श्री कबीर सारे जय जय। बहुत अमूल्य विचार आपने कहे हैं, तो एक साखी अपना पद है रामायण का, कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जो करहि तस फल चाखा। आप सब जानते हैं
इसके ऊपर एक बात कहूंगा मैं, कर्म की साख को हिलाना होगा, कर्म की साख को हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरे को, हम अंधेरा देख के बहुत चर्चा करते हैं अंधेरे में क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का एक दीप तो जलाना ही होगा, जलाना ही होगा। अभी मैं समय कम है, आमंत्रित करता हूँ परम पूज्य लखन साहब, आपसे अनुरोध है। ठीक है, समय को देखते हुए आगे हमारे परम पूज्य गुरुवर्य ज्ञान वृद्ध, ज्ञान की बहुत वृद्धि है विवेक साहब, विवेक साहब आपके चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे, कबीर साहब की जो वाणी है उनके विचार है आपके द्वारा हम अमृत रसपान ग्रहण करना चाहते हैं। परम पूज्य विवेक साहब आपके लिए भी समय का निर्धारण है, आपको आधा घंटे का समय है, आपकी बात जितना अच्छे से अच्छा हमें रसपान कराएंगे साहेब। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देव गुरुर्धर्म, गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। कबीर नामम पतितम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम, दातारम मुक्तम पुरुषम पुराणम, चरणारविन्दम सततम नमामि। परमानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वन्द्वातीतम गगन सदृशु तत्त्वमस्यादिलक्षयम्, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादिसाक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर। नमो नमो ते रूप को आदि अंत जिनाए, सुसाक्षी मम रूप है गड़बड़ कब भुनाए। परमादरणीय सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में नतमस्तक नवा कर त्रिभार साहेब साहेब, निर्छिर्वे की भक्त जन श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बालिका, आज भी सह सज्जनों बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कावड़े जी ने यहाँ खातरोड अपने मकान के नजदीक सार्वजनिक जगह में कबीर साहब का शिष्टाचार मुताबिक कार्यक्रम रखा है और दूर दूर से महात्मा लोगों को आमंत्रित करके बुलवाए। यहाँ तो
यहाँ तो सत्संग की गंगा बह रही है, समझो सुन रहे। गोंदिया से हमारे साहब की पार्टी है, उन्हें 2 घंटा मस्त गदगद कर दिए। अभी थोड़ी देर में महात्मा ने बोले, बहुत सी बाले बोले, मेरे को लगता है कि इनने तो बहुत सी बोल दी, अब मैं क्या बोलूं, विचार कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, तो सब सब में सेवा तो करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब की अकाट्य वाणी, उनके वाणियों में तो धधकती आग के समान वाणियां उनकी, मगर लोगों के लिए सुखदायी दुखदायी नहीं। पढ़ता कबीर साहब ने तो भ्रम से छुड़ाई दिया, भ्रम में बांधा नहीं, भ्रम में अटके भक्त चटपट के सिर इंद्रात, बागल लटके डाड़ियों सुने उनकी बात। गुरु और गुरुआ में अंतर है, ने गुरुआ लोगों को बोला है, वो लोग की संज्ञा दिया है, पागल चामगीदड़ लटकी हुई रहती पेड़ में, उनकी संज्ञा दी है। वंदनी महाराज ने बोला है, गुरु नहीं है तो गुरगुर है, इनसे तो बोले कुत्ते अच्छे, यहाँ तक के बोले। समझना है, विचार करना है, उनके बाल करते सत्संग सुन रहे, गीता भागवत रामायण सारी चीज क्या नहीं, पन कर रहे क्या, यहाँ तक की बात है। बोले जैसे खाई अन्न तैसा हो मन, और जैसे बोलो पानी वैसी, जैसे पिए पानी वैसे बने पानी। नकदी चौधरी नहीं है, मैं खंडन नहीं करता, विषय पर बोल रहा हूं। लोगों ने तो कर रहा खाना शराब पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, उसको तो छोड़े, उनको तो दवा मांगा है। अरे कबीर साहब ने तो बोला, तिल भर मछली खाए के कई कोटि देवदान, और काशी करवट भी ले मरे तो भी नरक रखा, नरक यातना भोगना पड़ेगा, कितना भी दान दे। नौ मन दूध बटोर के टिपका किया विनाश, और दूध फाटी गांजी भया भया दूध का ना, क्या भर दूध है थोड़ा नहीं। भक्ति भक्ति कर रहे लोग, भक्ति किसे कहते, भक्ति कौन से चिड़िया का नाम है भक्ति। रोज सुन रहे रेडियो में, कहीं भी जाओ टुकड़ो जी महाराज कहता है भक्ति के में भजन, भक्ति बिना उद्धार नहीं, भक्ति साथी निर्धार पाए मना जा, ऐसा भाव जीवाचा जीवाचा, भक्ति बिना उद्धार नहीं। जनक दी है उदारी नहीं है। आखिर पर बोला, टुकड़िया दास मने काना, नित्य प्रभु जे भजन कराना, वेसन सगड़े सोरुन जाना, सरल पुना जे जीवन जगाना। अरे लोभ करा सर्वाचा सर्वाचा, भक्ति बिना उद्धार नहीं। कैसा लग दिया क्या उतारी, कितने मार्मिक सबसे कर रहे हैं हम, क्या हम गए रहे 6-6 महीने संतों के आश्रम में, उनको पाले हमने, क्या कर रहे हैं हमने, एक तमाकू गुटखा खाने छोड़े, कटु बोलना छोड़े, अभी तक के तो बहुत विश्लेषण हुआ, कैसे होगा, कांच के गोली का खेल है, मंदिर का गुम्बज में गोल और गोली फेंक ठहरेगी वहां नीचे गिरना है, ऐसे मूर्ख का भी हृदय होता है, वहां ज्ञान नहीं ठहरता, क्या 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 मूर्ख को सिखलावते गया गाड़ का ज्ञान,
और कोयला हो न उजरो सोमन साफला कोयले का दाग पानी से सब हो जाएगा मगर कोयला उजला नहीं होगा। ये नगदी नगदी है उनके कहा संतों के सब सभी सांप्रदायिक में ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। ऐसा कोई सांप्रदायिक दूध का धोया हुआ नहीं सभी चल रहा है। समझना है हमें क्या करना है क्या सुनना है। हम तो एक कच की पूछी लेकर के चलते ऐसा थोड़ा रामायण गीता संत महात्मा ज्ञानेश्वर क्या कहता है तुकाराम क्या कहता है एकनाथ क्या कहता है गाड़िये बाबा ये तो बोलते हैं। अरे कबीर साहब खंडन करते हैं देवताओं को कहीं पूजा पाठ का खंडन नहीं करते। कबीर साहब ने यथार्थ बात कहा टुकड़ो जी ने भी बोला ज्ञानेश्वर ने भी बोला है तुम्हारे वो हरिपाठ में याग व्याग याग योग विधि ने देने नो श्रुति वाया ची उपाधि दम खंडन किया हुआ। टुकड़ो जी महाराज ने बोला देवास्या ने भेटा जा लाए रे देव बाजार जा भाजी वाला लाए गोटे जा देवताले वज्रा जा भेव सोने चांदी जा देवताले छोरा जा भेव माटी जा देवताले पाने जा भेव लाकड़ा जा वाग देवताले अग्नि जा भेव बोला। अरे देवत्व आजकाल आने फुटते तो पाने जाले भीगते चोर नेते तो गोटी झोपला लाए दे तो वागदेव जड़ ये मुद्दे हैं सही कहां सुधर रहे सुन रहे समझ रहे लिखे पड़े सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है हानिकारक मेरे सज्जनों पिराए कौन डॉक्टर मास्टर कलेक्टर ये लिखे हुए पीते हैं समझे ये दुख की बात है। टुकड़ो जी ने बोला चारित्र होगा भला तब देश कैसे जिएगा बात तो सही है। हमने चारित्र भला कर दिया क्या करेंगे इनके शिकंजे समझने के मामूली बात नहीं। टुकड़ो जी महाराज ने भी बोला कि ग्राम देवता की पूजा करो। अरे ग्राम देवता कौन है ये पुरुष वर्ग और ये माता है ये तो देवी है ग्राम देवी पर लोग पत्थरों को सेंदूर लगाते हैं शिवाले भोले और उसको पूछते क्या ये दुख की बात है। हनुमान कहीं जाएंगे कहीं यात्रा में अरे जत्रा में पत्थर और तीरथ में पानी मैं विरोध नहीं करता मैं यथार्थ बात को कहने जा रहा हूँ संत लोगों ने बोले पर बात यथार्थ है न आशीर्वाद देता न बोलता न बताता खाता न पीता पर हम उसको माथा पच्ची कर रहे कोई सलाह नहीं तो कहने का मुद्दे है ये शिकंजे संत महात्मा समझा। तोता तोते को पिंजरे में रखो उसको खाने पीने बोलने का क्या नहीं बनते पावना आला पानी आना नाश्ता आना चाय आया बोलते है तोते को बोलो जरा 5 रुपए की चाय पत्ती दुकान चल विवेक है क्या उसमें नहीं खाने पीने बोलने का क्या नहीं सिर्फ तीनों खाने में नहीं। शेर जंगल का राजा होता है मामूली नहीं है वैसा आदमी भी है मां नहीं है एक सिंह जैसा है पर अपने को अभी तक समझता मैं तो क्या साचा ये दुख की बात। अरे मां है तू टुकड़ो जी ने बोला सारे दुनिया का तू ही करंदार है तेरे बिना लगाना कोई पार नहीं तू ही है हर देश में तू हर भेष में तू तेरे नाम अनेक तू ये कही कितनी कितनी बानिया बोले ये रटते तोते जैसे अर्थ समझता नहीं उसको बोलता हूँ मैं। अरे भैंस मजे क्या नहीं नहीं जी नहीं समझेगा भोग
बस भगवी टोपी टाकला म्हणजे झालं चेला का कंठी गले में बांध लिए माला डाल लिए म्हणजे हो गया। ये दुख की बात है, नहीं समझ पाते मेरे सज्जनों क्या करे। शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग की रगड़ तब होता है। लाखों में बिरला उपजे अमृत ये हो अमर। मैं अपने साम्प्रदाय किया इसी कोई बढ़ाई करूं ये बात नहीं, क्योंकि मैं खर्चिया दामा खेड़ा इलाहाबाद अभिलाष साहब के जमात से मैं 85 से रहा हूं। उनका साहित्य पढ़ा, खुद उनसे भी मैं 10-5 बार प्रवचन सुना, चर्चा किया, आदि से। अरे ये लोग तो वहां के थे अंश सब, मैं जानता हूँ कौन कितने पानी में तिरता है, क्या पर खाता है, क्या बताता है। ये संतों के विचार है। संजनों बोलने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, पर समय इनकार कर रहा है, बोलने वाले भी हैं, एक से एक पड़े हुए हैं, तो मैं यही अपने पानी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। आए हुए महात्माओं की जय। आए हुए भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। साहेब जी धन्यवाद, पंथार मूलाचे मार्गदर्शन केले। साहेब जी ने एक बात कही, अपने इतने भक्त हैं, मैं कल भी बोला था मन से हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि किसी को ठेस पहुंचे, सभी धार्मिकता से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनने बात वास्तविकता में कही है, कोई बुरा ना समझे। मैं उसका थोड़ा सा एक मिनट निराकरण करता हूँ। हम सभी हिंदू धर्म से निर्मित हैं, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन उसकी कैसे पूजा होना चाहिए ये नहीं जानते। राम को मानना पूजना मतलब उसके आदर्श को लेना होता है, समझ ले कोई। हनुमान जी को मानना मतलब वो राम भक्त थे और अपने स्वामी के लिए कर्तव्य निष्ठ थे, वो पूजा है। मैं छोटा मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई बुरा भी ना मत माने इस बात पर। हम जिस चीज को मानना है, जानना है, जो करना है वो करें। हम रात दिन पूजा में लगे रहे या उससे क्या होगा। वो साहब के साथ ही आगे में आएंगे। राम कहे जगत गति पावे, हांड कहे मुंह मीठा। पूरी साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन सभी समझ ले, हम किसी के भावनाओं को आप नहीं पहुंचाएंगे। सभी मेरे धर्म प्रेमी है, ऐसा कोई ना समझे। और उसके लिए मैं मंच की ओर से क्षमा भी चाहूंगा।